जानबूझ के उठाते हैं, हमारे बच्चे ऐसा काम कर ही सकते हैं। नमस्कार, ये सुबह की तस्वीरें आप पानीपत के नूरवाला की धमीजा कॉलोनी से देख रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स जो है तैनात किया गया है यहाँ पर, और देर रात यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ है। नकाबपोश युवकों, बताया जा रहा है कि नकाबपोश युवक जो है यहाँ पर आए थे और विशेष समुदाय के साथ उनकी बहस हुई है, जैसा कि अभी तक सूचना आ रही है। और सूचना मिलते ही देर रात से यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है तैनात किया गया है। 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर इस समय तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीरें पानीपत के धमीजा कॉलोनी से आप लोग का लाइव देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। पहले बातचीत करते हैं, रात क्या हुआ था नीरज भाई, आप यहाँ थे? रात सर माहौल बिल्कुल शांत प्रिय था, कि यहाँ पे एक मुसलमान की दुकान थी मीट की, तो उसने खोली तो कुछ शरारती तत्व आए उसकी दुकान पे तोड़फोड़ कर गई, मगर कि पुलिस ने और जो यहाँ के जो मौजूद आदमी थे उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ने दी और वो व्यवस्था पूरी संभाल ली यहाँ पे सर, पूरी की पूरी व्यवस्था। तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर, माहौल पूरा शांतिप्रिय है, कोई भी ऐसी घटना पर कोई भी ऐसी अफवाह पर ध्यान न दे, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस परिवार के साथ है और यहाँ कोई भी कानून व्यवस्था पुलिस बिगड़ने देगी। रात सूचना मिलते सारी DSP जो हमारे सुरेश सैनी SHO तमाम जितनी भी पुलिस की टीमें थी वो मौके पर पहुंची, उन्होंने कोई भी व्यवस्था यहाँ बिगड़ने दी, जो यहाँ के मौजूद आदमी थे उन बच्चों को समझाया और कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम सभी से अपील करते हैं कि सब लोग कोऑपरेट करें और ऐसी ऐसी बातों पे अफवाहों पे ध्यान ना दें। कोई गाड़ी भी तोड़ी गई है? हाँ सर, उधर एक दो गाड़ी है जो वो उन लोगों ने तोड़ी है, मतलब उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई कौन लोग थे, वो कहाँ से आए थे सर। उन्होंने आपको बता दें कि कल देर रात का ये मामला था, और देर रात में जब जैसे ही लोग यहाँ पर पहुँचे, नकाबपोश लोग थे, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। दो गाड़ियों का अभी तक बताया जा रहा है कि दो गाड़ियाँ जो है यहाँ पर टूटी हैं और एक दुकान में जो है तोड़फोड़ की गई है, और रात से ये गाड़ियाँ जो है यहाँ पर तैनात है। पहली फोर्स जो रात की जिसकी ड्यूटी लगी थी वो यहाँ से चली गई है, अब दूसरी जो टुकड़ी है वो सुबह यहाँ पर पहुँची है धमीजा कॉलोनी। बता दूँ कि अभिषेक चौहान जिसकी नूह में मौत हुई थी, ये वहीं उसी का इलाका है, यहीं पर जो है अभिषेक चौहान इसी गली में रहता है, और यहाँ पर जो है देर रात लड़ाई झगड़ा जो है हुआ है। और गनीमत ये रही कि देर रात ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और सारी स्थिति को संभाल लेती है। तो ये तस्वीरें उसी गली की देख सकते हैं, और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पुलिस ही पुलिस जो है नज़र आ रही है। और रात काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा, 2 बजे तो है ASP यहाँ पर पहुँचते हैं और सारी स्थिति का जो है जायज़ा लेते हैं, और रात को ये मामला जो है शांत हो जाता है। लेकिन एहतियातन जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, क्योंकि आज जुमे की अनाज जुमा है और इसी के लिए जो पानीपत में जो है पुलिस तैनात की गई है। अजान है यहाँ, तो अजान के चलते भी पुलिस बिल्कुल तैनात की गई है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ख़ास तौर पर जो है पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए हुए हैं। धमीजा कॉलोनी से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और आपको बता दें कि अभिषेक चौहान जिसकी नूह में गोली लगने के कारण मौत हुई थी, धमीजा कॉलोनी का रहने वाला था, और यहाँ पर पानीपत में 144 धारा जो है प्रशासन ने लगाई हुई है। और ये एक बार गाड़ी दिखा दें, इस गाड़ी में जो है तोड़फोड़ हुई है, ये गाड़ी जो है यहाँ पर तोड़ी गई है, एक गाड़ी और जो है वो तोड़ी गई, दो गाड़ियों को जो है नुकसान पहुँचाया गया है, और एक दुकान में भी जो है तोड़फोड़ की गई है। तो आपको बता रहा था कि 144 धारा लगी हुई है, और सिविल अस्पताल से भी आपको लाइव तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की थी कि सिविल अस्पताल में जो है काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं कार्यकर्ता वो वहाँ पर पहुँचे थे, और मामला परिवार के एक परिवारजन को नौकरी देने का और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग हुई थी, और बाद में संजय भाटिया जो करनाल लोकसभा के MP हैं उनके साथ बंद कमरे में मीटिंग हुई और क्या सहमति बनी तो वो चीज़ें बाहर नहीं आई। लेकिन बताया जा रहा है कि संगठन के लोग जो हैं वो पैसा इकट्ठे करके जो है परिवार वालों को देंगे, और सहमति जो है अंदर ये बन पाई है कि एक परिवार को जो है नौकरी भी दी जाएगी, हालांकि जो है लिखित में कोई भी आश्वासन जो नहीं मिला। तो ये आपको बता दें कि
रात यहाँ पर देर रात हंगामा होता रहा। हंगामा होने के बाद भारी पुलिस बल जो है यहाँ तैनात की गई है और पानीपत के चप्पे चप्पे पर इस समय पुलिस की नज़र है, क्योंकि आज जुमे की अजान भी है और नमाज पढ़ेंगे, और नमाज पढ़ने के बाद जो है उसी को देखते हुए पूरी पुलिस बल जो है तैनात की गई है। भारी पुलिस बल जो है इस समय धमीजा कॉलोनी में देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि रात को जो पुलिस फोर्स तैनात की गई थी अब जो है उनकी ड्यूटियाँ बदल गई है। अभिषेक का घर यहीं पे है, अभिषेक का घर आ गया सर। अच्छा, ये बताओ कि रात कितने बजे पुलिस यहाँ पर पहुँची? रात वैसे तो पुलिस सर परमानेंट है सर यहाँ पे सर। अच्छा। कोई भी मान लो कानून व्यवस्था ना बिगड़े तो पुलिस का पूरा सपोर्ट है पूरा यहाँ पे सर, पूरी रात से ही पूरी ड्यूटी लगी है सर जब से ये दिक्कत आई है। यहाँ पे कोई मस्जिद भी है यहाँ पे सर? नमाज टोटल सर 3 मस्जिद है सर यहाँ पे, 2 सर अभिषेक से अगली गली में, 1 सर आगे गली में, टोटल 3 मस्जिद है यहाँ पे। अच्छा, अब तनाव का माहौल था, अब थोड़ा सा शांत होता दिख रहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल रात से ही पुलिस ने बड़ी स्थिति को संभाल लिया था, बड़ा समझाया, उन लोगों को भेजा यहाँ से, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। और लोगों से भी पुलिस यही अपील कर रही है, कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दे, क्योंकि पुलिस सब लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बनी हुई है, तो पुलिस का साथ जरूर दे सब लोग। जो परिवार थे जिनके साथ हुई थी वो यहीं पे चले गए कहीं? नहीं सर, वो यहीं पे, वो नहीं, जो जिन परिवारों के साथ रात हुआ नहीं वो चले गए सर सब लोग ना सर जो, हाँ हाँ जी, जो सब लोग हैं वो चले गए सर। तो ये जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट हम लोग जो है आपको लाइव दिखा रहे हैं। धमीजा कॉलोनी से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और ये अगर जो नज़र दौड़ाएं तो ये पूरी गली में जो है इस समय पुलिस तैनात की गई है, और एक डर का माहौल, एक डर का माहौल जो है रात तब बना हुआ था, लेकिन पुलिस पहुँचते ही जो है सब मामला जो है शांत हो जाता है। एसपी खुद जो है इस सारे मामले में नज़र बनाए हुए थे, और कोशिश यही थी कि पानीपत जो है पीसफुल रहे, और पीसफुल रहा भी, किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक झगड़े नहीं हुए यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये छुटपुट जो घटनाएं हैं वो ज़रूर सामने आ रही है, और इसी को लेकर जो है पुलिस तैनात की गई है। ये नूरवाला की धमीजा कॉलोनी है जहाँ से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। सुबह की पहली तस्वीर है ये, और इस साइड आपको दिखा दें, ये देखिए गाड़ी जो है सेंट्रो गाड़ी, इसमें जो है तोड़फोड़ की गई है, और ये चिकन की दुकान है, इसमें जो है तोड़फोड़ की गई है। ये आपको दिखा दें, ये शीशे जो हैं, ये शीशे जो हैं तोड़े गए हैं, और अंदर जो है ये तोड़फोड़ की गई, हालांकि ताला नहीं लगा हुआ, और रात ये दुकान जो है मीट की दुकान खुली हुई थी, और इसी को लेकर जो है झगड़ा होना शुरू हो चुका था, और ये झगड़ा बढ़ता बढ़ता जो है विकराल रूप लेने लगा, तो उसी समय जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात हो जाती है, और उसके बाद जो है परिवारों को सुरक्षित जो है यहाँ से ले जाया गया। तो फिलहाल अब की स्थिति आपको बता दें कि अब जो है बिल्कुल पीसफुल मामला है, अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और अब धीरे धीरे जो लोग हैं घरों से निकलने भी लगे हैं, तो ये देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कॉलोनी के लोग घरों से निकले हैं, सुबह का वक्त हैं और करीब 8 बजे हैं, और कॉलोनी के लोग जो हैं जो कल रात जिन्होंने मंजर देखा वो मंजर जो है एक दूसरे से बता रहे हैं कि कल रात का जो मंजर था वो क्या था। तो लोगों से यही अपील है कि पानीपत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक जो है पूरा शहर है, और आप लोगों से भी अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। और रात की कवरेज हम इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि तनाव का माहौल था, और जिस तरह हमारी भी ड्यूटी बनती थी कि ऐसे जो माहौल को ना दिखाया जाए ताकि भीड़ जो है उग्र ना हो सके, तो इसी को लेकर अब सुबह की तस्वीरें जो है हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की हम लोग कोशिश करते हैं। रात आप यहीं थे जब ये हो रहा था? क्या हुआ था रात में? ये तो रहते सारा जी, देखो जो उरे वाले हैं ना जितने भी, तो भाईचारा है हमारा, तो यहाँ बहुत बढ़िया करती है। उरे का तो कोई बंदा ही नहीं है जो शरारत करे। ये बगल अगल तो पता नहीं कहाँ था, दारू पीपी का रहन का है। अच्छा हमनु मानना है कि भाई इन्होंने हमारा नुकसान करे, हमारा मारा नहीं हो रहा। एक भाई है हमारा 5-4 डॉक्टर है, उसकी भी गाड़ी तोड़ गए।
तो इन्हें नहीं किसी का भी है, कोई हिंदू है मुसलमान है कौन है, जुन से पी खा काम है ना, ये तो एक तरफा बड़ा है, बजिंगा भी बड़ा है। मतलब कॉलोनी के नहीं तो बाहर के लोग नहीं, नहीं कॉलोनी का कोई नहीं है जी, कॉलोनी का तो हमारा कति भाईचारा ही, हम सारे भाई नहीं खड़े हो रहे एक ही जगह, हमारा कॉलोनी वाला कोई बैर नहीं है ना कोई लड़ाई है उरे, बस ये बगल अगल के आवे पी खाया कर बस 100-200 आदमी और अल्लाह मचावा है, कति किसी के गेट तोड़ा है कि वो पीछे दो मकान है वहाँ मुसलमानों के, अच्छा तोड़ का वो गेट और ऊपर छतों पर चढ़ गए शीशे पिछे तोड़ कर रहे थे, और जो पुलिस ना जाए वो घना नुकसान करते, वो तो खैर उसी टाइम पुलिस की निरी गाड़ी आएगी यहाँ, पुलिस बहुत बढ़िया सहयोग कर रही कत्ती महाराज, तो जो थाना है ना ये सचो महाराज जो लग रहा अपनी कसम ज़्यादा बढ़िया कत्ती, इतना बढ़िया कि एक मिनट में कत्ती फोन करते सार करते फोरस ही फोरस हो जाए, पुलिस ने संभाल लिया रहा था, पुलिस ने संभाल लिया, SP आया DSP आया कत्ती सारे बहुत ही बढ़िया यहाँ, लेकिन मारी जो कॉलोनियों में है बहुत बढ़िया भाईचारा है कत्ती, इस टाइम भी भाईचारा है बड़े जोर का, सारे भाई खड़े देख मैं मुसलमान ही सहायता है, हम दो चार हैं नहीं है सारे हिंदू हैं, कोई मतलब नहीं ना इन बात। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पर? हम उरा है, मैंने 30 साल हो गए जी पानीपत, 30 सालों में ये माहौल देखा नहीं था कभी आपने? ना ये माहौल कभी नहीं देखा जी, जो आजीब का देखने में मिल रहा, पहले हो गया कभी बाहर की कोई बात सुन ली और अल्लाह से मीच गया, लेकिन भाईचारा कभी नहीं बिगड़ा, जो करीब का माहौल हो गया ना यू कभी होया ही नहीं आज तक ऐसा, हाँ ये है जी बात। तो रात कहाँ बात कहाँ से शुरू हुई थी, कुछ पता लगी हो कैसे झगड़ा शुरू हुआ? झगड़ा यहाँ तो नहीं शुरू होया जी, यहाँ तो देखो यो यहाँ भाई को यो जो हमारा गुजर गया था, भाई है हमारा जो गुजर गया था, जा कतला लो हमारा, ये इधर तो अपना बैठे हूँ तो अपने दुख में बैठे बेचारे, अच्छा हम भी उरा पर रे मगा जी किसी का भाई कोई झगड़ा ना हो किसी के, हम भी अपना उरा पर भाई बैठे जी, अपने आदमियों ने कह रहे जो हमारे हैं ना जो मुस्लिम है भाई अपना आराम से अपने घर में बैठो, बाहर ना निकलो, माहौल खराब ना हो, माहौल खराब नहीं करना बिल्कुल भी, वहीं भी अपने घरों में बैठे अपना वहीं खा रहे वहीं पी रहे चलो भाई, हाँ नहीं हमने दुख हमने नहीं इस चीज़ का, हम नहीं बैठ सकते जहाँ कोई आदमी ऐसी बात हो जाए जी, तो हमारा भी नुकरा अपने भाई लो बैठ का वह हम तो उस बैठने के भी चोर हो गए, अपने पड़ोस में कती अपने बाहर आ गए ऐसा भी नहीं जो हम बैठ ही लें, सिर्फ इसी बात के हमारे भाई माहौल खराब ना हो, वह नहीं करते जिनका है वह नहीं करते, वह दोनों कहें भाई हम वह के कहें बेचारे वो तो अपने दुख में बैठे, लेकिन बाहर के जो आदमी आवे माहौल खराब हुए कर रहे, परे तो होया शुरू यू नहीं गए तो करे था शुरू में परे तो जंगल सा नहीं पड़िया होंगे तो पर मोटरसाइकिल शीशे पिसे तोड़ते फोड़ते यहाँ आए गए यहाँ के किलकी मार दी जय सिया राम जय सिया राम, फिर परे जाए मेरी भाई ये है जी और कुछ नहीं, कलोनी वो मारी भाईचारा ही हमारा पंडित जी खड़ा भाई है मेरा कत्ती, ये भाई खड़े बिल्कुल भाई और भतीजे हैं मेरे बिल्कुल, हमेशा इनके दुख सुख में हम तैयार खड़े हैं, जाने मारे में खड़े आज लोग कोई बात ऐसी नहीं हुई हुआ, अब डर का माहौल हो रहा है, अब डर का माहौल हो गया जी कत्ती, ये डर का माहौल हो गया, यानी हम कसम खा के रहे चीज ना मारा तो इतना बढ़िया भाईचारा हो रहा, हम एक दूसरे के लिए तैयार 24 घंटे नु खड़े भाई, कोई से गेल कोई दिक्कत है हम खड़े वो हमारी गेल खड़े बेचारे, इतना अच्छा चल रहा था। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 10 साल से रह रहे पंडित जी हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम वाला जो माहौल चल रहा है ये बनाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ भाईचारा आपका यहाँ तो पूरी तरह है, बस ये बाहर का जो कुछ है ये पहले से ही जो कुछ हो रहा है पीछे से जो कुछ हो रहा है यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ है नहीं किसी के साथ अपना, तो मतलब सारे एक साथ रहते हैं से कोई इशू नहीं किसी भी चीज़ का, ये दुकान का था पहले इसका इशू, ये दुकान का जो मास्क खुली थी दुकान या बस ये दो दुकान ने इसके एक दो बार पहले से की उससे बात हुई है, नहीं ऐसा कोई लड़ाई वाला सा कोई मोल नहीं ना ना उरा लड़ाई नहीं इतनी तो होती रहा छोटी मोटी, तो ये तो जुकर मीट मुर्गे की दुकान है ये तो पूरी पानीपत में पूरे हरियाणा में ही लगा लो सारे ने सारी दुनिया में ला लो, एक आधी बार इस पर होया भाई दुकान बंद करो क्यों, इनकी गलती थी ये खुले में काट रहे थे मुर्गे, हमने इन तक कहा भाई चलो इन्हें बंद कर दो अन्य अपना शिष्य पिस्सों का इंतजाम करो, एक मुर्गा तो आम आदमी चलो दुकान खुली रही सारे ने भाई इन पर शिष्य लगाओ, तो इन अगले दिन शिष्य लगा दिए थे जब तक पीछे यहाँ कॉलोनी वालों ने किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा था, कती भी अपना कर रहे खा रहे, आप लोग भी चाह रहे कि भाईचारा बना रहे जो मतलब ऐसे जो पंगे उल्टे सीधे हो रहे हैं ये ना है। जी हम कच्चे हैं कि यहाँ से हमारा भाईचारा बिगड़ जाए, हम तो ये हम तो नू देख रहे बल्कि कि हो रहा के भाई जो हमारा भी भाईचारा बिगड़ रहे ये होया तो कहाँ के होया और भाईचारा हमारा बगाड़न लग रहे उरे तैनान के बगल बगल तो हम तो नहीं बिगाड़ रहे ना अपना, हम तो नू चाहें भाई हमारा कति शांति तो हो ही रहना चाहिए भाईचारा, तो ये नूंग मेवात में होता है और पंगा यहाँ शुरू हो जाए, पंगा यहाँ शुरू हो जाए कि देखो वो चे कहीं पंगा हो रहा शुरू हो जाए तो ये बात होनी ना चाहिए, हम तो नुकाय जो जितने भी हैं हमारे भाई हमारा भाईचारा वो रहना चाहिए, समाज के लोगों से आपकी बातचीत होती है यहाँ पे, वो आपके साथ हैं? हाँ ये सारा समाज ही है जी हमारा, ये भाई खड़े पीछे दुकान है इसकी ये और भी खड़े सारे हमारी बात हो इन तक कोई दिक्कत नहीं करती, हमने तो परेशानी नहीं आ कहूँ भैया जो बाहर के आदमी आवा ना ये भाई खड़े देख डॉक्टर है पांच चाल
यू भी हमारा भाई है, आकर जो जो भी आया हुआ है बाहर का ही बंदा आया हुआ है। माई हमारा भाईचारा तो शुरू से रहा रहेगा। रात जब ये जाने लगे इनकी कुशामंद करी है, मेरे पड़ोस में मुस्लिम रहते हैं उनकी कुशामंद करी, कहीं मत जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। लेकिन वो मन नहीं, उनके हाथ जोड़े हैं मैंने, भाई क्यों जा रहे हो तुम, अरे हम खड़े हैं यहाँ, मैं वहाँ पे नहीं था, मेरी गाड़ी तोड़ गया, मेरी मिसिज कपड़े धो रही थी उस पर ईंट मारी है, बताओ मेरी मिसिज को ईंट मारी है, गाड़ी तोड़ी है, तो बाहर गई तो है। मैं तो ये कहता हूँ सारे गली में लट ले गए खड़े हो जाओ, जो कोई बाहर का साले का उसको ही मारो, क्यों माहौल यहाँ खराब होने दे रहे। पूरी रात हम गली में रहे हैं, मैंने कहा यहीं खड़े रहो तुम, भाई बाहर के बंदा है उनके ईंट मारो, क्यों बटन दो अपने यहाँ माहौल खराब क्यों करते हो। इस बात की नहीं, हिंदू मुसलमान की नहीं, ये तो कौम का भाई है हमारा, पांच चार भाईचारा खराब करने की कोशिश की रात को जो है। इसकी भी गाड़ी में तोड़ के घर वाली का ईंट मारी, एक बगाया का टोला लगा उसका, तो ये अच्छी बात नहीं। हम तो नुकाए एक प्रशासन से हमारी अपील है, हमारी भी टीन है वहाँ, हमारे वहाँ भी हम बाहर बैठे एकदम भाग भाग के अंदर पड़ गए, ऊपर से टीन मारी, गाली बकी ईंटे मारी, ऊपर से टीन की छतें मारी वो भी टूट गई ऊपर से, शुक्र मानो हमारे सिर पर नहीं लगी, अन्य हमारे लग जाती चोट। रात तो घना हंगामा ठाया, उन्होंने कितने सारे थे, 20-25 थे कम से कम, उनको आपस में बिठाया जाए, ये साजिश है। लेकिन ऐसा होने तो नहीं देंगे ना हम, क्यों होने देंगे भाई, भाईचारा है ये देश, ये थोड़ी ना कि एक का ही है, ये देखो ना ऐसे कैसे ये हो रहा है बताओ। पुलिस वालों को कहा फिर मैंने, भाई इधर खड़े हो आप, जो इधर से आए हैं इधर खड़े हो ना, पहले देखे कभी मुंह बंदा हुआ था उनका, कुछ मुंह बंदा हुआ था, 8-10 बंदे थे, मुंह बंदा हुआ था, और उन्हें कोई नहीं देखा, इंटे बरसाई है तगड़ी वाली, मेरी मिसिज को लगने से बची है वो, उसको भी मारी है, उसने कहा भाई क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। अच्छा मतलब मेरे समझ आ रहा है कि मतलब माहौल खराब करने की, देखो ये पंचाल है, अभी पंडित जी से बात हो रही है, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, उन्होंने ये नहीं देखा भी कौन है जो हत्याग्रह करते गए का, नहीं देखते जी किसी ने भी। अच्छा हमारे एक चीज बस बहुत ही अच्छी हो रही है जी, प्रशासन हमारा बहुत अच्छा है, एक मिनट में कहते अगर जो हमारा प्रशासन ना हो यहाँ तो कॉलोनियों में आग लगा दे बाहर के आदमी, हमारा तो प्रशासन एक मिनट लगाने देते जी, एक मिनट मच्छी कर देता पुलिस हो जाए कती, कहने का भाई माहौल खराब नहीं होने देने के बिल्कुल भी। प्रशासन बहुत अच्छे से आता कर रहा जी, हम तो अपील करे प्रशासन तक आगे भी मारी एक करी मारा भाईचारा ना बिगड़न दे, प्रशासन सहयोग कर रहा है आपको, ये भी करे कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रशासन हमारे तनु कह रहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल भाईचारा बनाए कर रखो, और भाईचारा बनवाए कर रखेंगे, कोई गलत काम होने नहीं देंगे, प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा जी। आपके दिल में ऐसा तो नहीं है कि चलो भी छोड़ के यहाँ से कहीं और चले जाए, कर जो देखो एक डाल जा कर है बंदा डरता, भाई प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन प्रशासन हर किसी ने नु कह रहा किसी की गेल भी गलत नहीं होने देना, बहुत ही अच्छा काम कर रहा जी। आपके पड़ोस वाले ठीक हैं, हिंदू रहते हैं आपके परिवार के? हाँ जी वहाँ सारे हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। तो जैसे वहाँ पे भाग के गए ना गाली बकते हुए और नारे लगाते हुए गए सारे, कितने सारे थे भागते हुए डंडे हाथ में थे उनके, तो हम एकदम बाहर लाइट भागी थी, हम अंदर भाग के बढ़ गए, हम तो भाग के बढ़ गए, पड़ोसी थे वो भरे गए, उनके भी मार गए 2-3 डंडे, फिर हमारे घर में ईंट मारी, वो टीन टूट गई ऊपर से, टूटी हुई है बल्कि टीन अभी भी, मैंने अभी पुलिस वालों को दिखाई बुला के, मगर बच्चे मेरे आदमी तो है नहीं सिर पे, औरतें बस हम लड़कियाँ रम थे, माँ बेटी मेरी लड़कियाँ रोने लगी चिल्लाने लगी, रात को फिर मैंने उनको किसी और के घर सुलाया, मगर ऐसा ना हो रात को फिर मारा ये टीन टान टूट जाए हमारी लग जाए ईंट आट आगे कोई जगह, क्यों टीन का घर है हमारा। लेकिन वो बेचारे पड़ोसी हमारे वो बाहर ही बैठे रहे फौजियर, वे बाहर बैठे थे नुगैर से समाना, कोई दिक्कत नहीं है हम बाहर बैठे हैं, कोई बात हो तो हम आवाज मार दी, क्योंकि उस टाइम भी अंदर बढ़ गए। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई दल के ना हो, शरारती बंदे हों कि आपस में इनके लड़ाई बजवाई जाए और माहौल खराब हो, शरारती ही थे वो, शरारती थे ये, शरारती है जो घूम रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपस में भिड़ जाए, ये शरारती है और कोई नहीं है, ये शरारती है। हाँ जी हाँ जी क्या कर रहे हैं, मतलब जो बाहर का बंदा कोई भी हो तो उनका लठ मारने चाहिए जी। हाँ जो वही बात है, आपस में पब्लिक को भड़काने काम कर रहे इस टाइम, इसलिए रात माहौल खराब हो जाता, जैसी वीडियो सामने आ रही थी हिंदू मुस्लिम हो जाता तो दंगा तो पूरे पानीपत में भड़कना था, ये तो आप लोगों की वो रही कि आप लोग शांत रहे सारे। देखो अगर जो हमारा भाईचारा या बात करता ना उरा तो मेरा क्या हो जाता, लेकिन हमारा भाईचारा तो कर ही नहीं रहा कती भी, हम तो कहे मारे हिंदू भाई भी राम बिच कर देनु देख रहे भाई हो के रहा कहाँ था मैं ये हो रहा जी बस अब तो ठीक है ना, अब तो कोई ऐसा ना यहाँ ठीक है जी। आप भी यही रहते हैं जी, एक मिनट आप आए, आप
आप कौन सी बिरादरी से? मैं हिंदू हूं जी। हिंदू हैं? इसी गली में। अब कुछ समझ पा रहे हैं, रात जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई है वो लोग नहीं थे जो असली होने चाहिए थे, बाहर के थे जी, उनके तो मुँह बंधे हुए थे, साजिश थी जी। अपना इसमें गली में घर है, मुसलमान भी हैं, हिंदू है, सारे इकट्ठे रहते हैं। कई सालों से इकट्ठा भाईचारा रह रहे हैं। बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। तो आगे भाईचारा बना के रखें। ये तो बाहर के बंदे जी जो कर रहे हैं, यहाँ का बंदे तो शरीफ है, ठीक है। तो चलिए ये तस्वीरें एक बार आप सब फिर से दिखा दें, दमीजा कॉलोनी से आपकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, पर अच्छी बात है कि भाईचारे की मिसाल है यहाँ पर। और रात को माहौल बिगाड़ने की बात कही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो है एक्टिव होते हुए जो है सारा माहौल जो है संभाल लिया उसी समय, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, पीसफुल जो है सब कुछ चल रहे हैं। नकाबपोश युवक आए थे, कौन युवक थे वो अभी फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है अपने हिसाब से जानकारी जुटा रहा है। तो इधर देख सकते हैं ये तहसील कम चौकी इंचार्ज फूल कुमार है जो, वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। और रात से ही SP खुद जो है मौके की पल पल की जानकारी जो है वो जुटाने में लगे हैं। और अपील यही है कि जैसे अभी हमने कोशिश की हिंदू समुदाय से और मुस्लिम समुदाय से भी बातचीत करने की, आपस में उनका कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रात का माहौल बिगाड़े जाने की जो कोशिश थी वो की जा रही थी। और हम लोग भी शुरू से अपील करते आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी अपील करता आ रहा है कि इस भाईचारे को निभा के रखें। और जैसा कि अभी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बता रहे थे कि प्रशासन रात से यहाँ पर बैठा हुआ है और पूरा कोऑपरेट जो है प्रशासन कर रहा है। तो आप लोगों से अपील ये है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। और इस मामले में अभी तक जो बड़ी अपडेट है कि रात का जो माहौल था अभी फिलहाल शांत नज़र आ रहा है। कॉलोनी में अगर कुछ CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो पुलिस उसकी भी जो है जांच कर रहे हैं। रात 11:15 बजे भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था। ASP मयंक मिश्रा SP जो है खुद इस सारे मामले को संज्ञान में लिए हुए थे। तो फिलहाल भाईचारे की एक मिसाल ये है कि पिछले 30-30 सालों से ये लोग जो है इकट्ठे रह रहे हैं, आपस में इनका कोई मन मुटाव नहीं है। और माहौल ये ख़राब करने वाले कौन थे ये बड़ी बात है, क्योंकि आज वीरवार भी हैं और जाहिर तौर पर पुलिस आज और एक्टिव हुई है। और धारा 144 जो है शहर में लगी हुई है, चप्पे चप्पे पर आपके आसपास में जो है पुलिस है। और सोशल मीडिया पर कोई ऐसी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि एक्टिव सोशल मीडिया को भी किया गया है, सोशल मीडिया पर भी जो है आप लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं पुलिस प्रशासन। तो आप लोग कोई भी आप लोगों से अपील है कोई ऐसा काम ना करें जिससे जो है नुकसान झेलना पड़े। तो आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे जो है सुबह होती जा रही है और पुलिस प्रशासन जो है मौके पर और जो है एक्टिव होता जा रहा है। तो फिलहाल ऐसा कोई भी मामला कुछ नहीं है कि सांप्रदायिक जो है झगड़ा जो है बढ़ के। तो आप जुड़े रहे वैश्व पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाए होंगे। नमस्कार।